जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। आनंदमयी माँ से वार्तालाप। आनंदमयी माँ भारत की आध्यात्मिक चेतना की एक ऐसी विलक्षण प्रतिनिधि के रूप में जगत में प्रख्यात हैं। माँ स्वयं पूर्ण निर्मुक्त उदासीन निर्लिप्त होने पर भी सबको आकर्षित करती थीं। वे सब धर्मों, सब जाति के मनुष्यों, पशु पक्षी, वृक्ष लताओं में एक अखंड भाव लीला का भाव संचार देख सबको एक ही आनंद का प्रतिरूप मान सबके प्रति समान भाव से अनुराग, श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करती थीं। उनकी निर्मल शांत दृष्टि, पवित्र स्मित, करुणा एवं ममता का स्रोत प्राणी मात्र को बरबस आकर्षित करता। माँ के दर्शन मात्र से ही जन समुदाय में आनंद की लहर दौड़ जाती थी। वे भारत की परम उच्च कोटि की आध्यात्मिक विभूति थीं। उनका एक आश्रम भागीरथी गंगा के तट पर बनारस में है। एक बार माँ अपने काशी आश्रम में आई हुई थी। श्री बंका जी काशी विश्वविद्यालय में बीए के छात्र थे और बिड़ला हॉस्टल में रहा करते थे। उन दिनों वे एक विचित्र प्रकार की खुजली से ग्रसित थे। अगस्त के महीने में उनके सारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते थे और बेहद खुजलाहट होती थी। दिसंबर महीने के आते आते ये सारे छोटे दाने पककर बड़े हो जाया करते थे और उनसे मवाद बहने लगती थी। इस अवधि में श्री बंका जी को विशेष कष्ट होता था। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी और इन मवाद भरे दानों के कारण लकड़ी की कुर्सी पर कक्षा में घंटों बैठना अति कठिन हो जाता था। सफ़ेद धोती पर मवाद के दाग लग जाते थे। एक और विचित्र बात यह थी कि मकर संक्रांति के आते ही ये सारे दाने स्वतः ही सूखकर ठीक हो जाते थे। यह तकलीफ पिछले कई सालों से हर साल हो रही थी। अगस्त से जनवरी तक का कष्ट भोग अति पीड़ादायक होता था। देसी, यूनानी, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सभी प्रकार का इलाज श्री बंका जी ने करवाया, परंतु किसी दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके भीषण कष्ट का निवारण न हो सका। वे इस बीमारी से तंग आ चुके थे और निरुपाय होने के कारण अत्यंत दुखी भी थे। संयोग से उन्हीं दिनों श्री बंका जी को सूचना मिली कि परम पूज्या श्री आनंदमयी माँ बनारस आई हुई हैं। पूज्या माँ की आध्यात्मिक स्थिति से श्री बंका जी परिचित थे, अतः वे अपने मित्र श्री ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल एवं श्री विश्वनाथ मालपाणी के साथ 7/12/1946 को माँ के दर्शनार्थ उनके काशी आश्रम पर पहुँच गए। भागीरथी गंगा के तट पर श्री आनंदमयी माँ का आश्रम बंगाली महिलाओं से भरा हुआ था और वे उच्च स्वर में जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ का बंगाली कीर्तन कर रही थी। पूज्या आनंदमयी माँ उस कीर्तन वाले कक्ष में उपस्थित नहीं थी। ये तीनों मित्र न तो आश्रम में किसी को जानते थे, न ही कोई इन्हें जानता था। अतः ये कीर्तन वाले कक्ष में एक किनारे खड़े हो गए। करीब आधे घंटे बाद पूज्या आनंदमयी माँ की सेविका श्री प्रिया जी उस कक्ष में आईं और तीनों मित्रों की ओर देखते हुए कहा, आप तीनों को माँ ने बुलाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि न तो इन लोगों का माँ से कोई पूर्व परिचय था, न ही इन्होंने कोई आवेदन पत्र माँ को दिया था। फिर भी माँ ने यह कैसे जान लिया कि उस कक्ष की भीड़ में तीन विद्यार्थी दर्शन अभिलाषा लेकर आए हैं। यही तो सिद्ध संतों की पहचान है। अस्तु, माँ ने बड़े प्रेम से तीनों विद्यार्थियों की ओर देखकर उनका नाम पूछा और उत्तर सुनते ही मुस्कुराकर बोली, ब्रह्म स्वरूप अर्थात ब्रह्मा, राधे श्याम अर्थात विष्णु और विश्वनाथ अर्थात महादेव, आज जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही पधारे हैं। फिर माँ उन्मुक्त रूप से हंसने लगी। माँ की विनोद युक्त वाणी सुनकर तीनों मित्र बड़े प्रसन्न हुए और वे भी हंसने लगीं। माँ ने सबको प्रसादी मालाएं दी। पूज्या आनंदमयी माँ ने श्री बंका जी की ओर देखते हुए पूछा, कुछ कहना चाहते हो? श्री बंका जी ने अपनी खुजली वाली समस्या माँ को विस्तार से बताते हुए कहा, माँ आप कोई निदान बतलाइए, मैं अत्यधिक कष्ट में हूँ। इस बीमारी से कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अधिक व्यवधान होता है। माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, तुम काशी विश्वनाथ मंदिर में अवढ़रदानी भोले बाबा को जल चढ़ाया करो।
श्री बंका जी ने सविनय प्रणाम करके ऐसा करना स्वीकार कर लिया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तीनों मित्र वापस लौट आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। उन दिनों काशी में मोटर बस की सुविधा नहीं थी। श्री बंका जी प्रतिदिन कॉलेज समाप्त होने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाते और जल चढ़ाकर पुनः 5 किलोमीटर पैदल वापस आते। इस प्रकार प्रतिदिन उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पूज्या आनंद माई माँ से जिस दिन श्री बंका जी मिले थे उसके अगले दिन से उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने का क्रम शुरू कर दिया था। इतना अधिक पैदल चलने का अभ्यास नहीं होने के कारण शरीर दर्द से टूट रहा था। प्रथम दिन जल चढ़ाकर आने के बाद रात्रि के वक्त उन्होंने अपनी डायरी में जो कविता लिखी वह यहाँ दी जा रही है। आह कितनी करुण पुकार है। प्रभु भूल न जाना तुम मुझको, देना मत त्याग कहीं मुझको। संतों की संगति से पाया प्रेम पंथ का कुछ सौरभ, पथ में राही जब विचलित हो अवलंबन देना मुझको। परम सहारा सुनकर तेरा कठिन मार्ग हूँ अपनाया, हो निराश जब बैठूं पथ में उत्साहित करना मुझको। काम क्रोध की दोपहरिया में जब बैठा प्यासा हूँगा, आर्थ हृदय की ओर देखकर स्नेह सुधा देना मुझको। कठिनाई बाधा में पड़ जब तुझे भुलाने की सोचूं, भ्रांत पथिक पर दया दृष्टि कर दिव्य दृष्टि देना मुझको। लोग हंसेंगे पागल कहकर और कसेंगे जब ताने, दुनिया दर से जब ठुकरा दे चरण शरण देना मुझको। लोक व्यंग की घातों से जब मानस तंत्री टूट चले, वंशी रव के साथ बजाने नव वीणा देना मुझको। हाय कितना कठिन परिश्रम होता होगा, और यह कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। कभी सर्द हवाएं, कभी बरसाती पानी, कभी भीषण गर्मी तो कभी तपती लू। प्रतिदिन जल चढ़ाने का यह क्रम कई महीनों तक अखंड रूप से चलता रहा। परीक्षा की तिथि निकट आ रही थी। 10 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने से पैरों में बेहद दर्द होता था। परिश्रम से अत्यधिक थकान भी होती थी। अतः जैसी पढ़ाई श्री बंका जी करना चाहते थे वह हो नहीं पा रही थी। मंदिर आने जाने में बहुत समय भी लग जाता था। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी समय अभाव के कारण इस परिस्थिति में किस प्रकार की जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ओर सिद्ध संत को दिया हुआ अपना वचन था, दूसरी ओर वार्षिक परीक्षा के निकट आती तिथि। बहुत सोच विचार करके श्री बंका जी ने पुनः पूज्य आनंदमयी माँ के पास जाने का निर्णय लिया। माँ के समक्ष जाकर अपनी सारी समस्या का निवेदन किया। माँ ने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर एवं समझकर कहा, ऐसा करो तुम प्रति सोमवार को जल चढ़ा दिया करो। माँ के इस कथन से श्री बंका जी को बहुत सुविधा हो गई। अब वे सप्ताह के 6 दिन परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते और प्रति सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ में जाकर जल चढ़ा देते। श्री बंका जी ने यह नियम ही ले लिया था कि जब भी वे बनारस में सोमवार को रहते जल चढ़ाने हेतु मंदिर जाया करते थे। कालांतर में पूज्य आनंदमयी माँ की कृपा से एवं भोले बाबा के आशीर्वाद से श्री बंका जी की खुजली पूर्णतः समाप्त हो गई। कभी यह तकलीफ जीवन में दोबारा नहीं आई। स्वास्थ्य लाभ के बाद पढ़ाई में आ रही सारी बाधा दूर हो गई और श्री बंका जी ने अपना संपूर्ण ध्यान पाठ्यक्रम पर केंद्रित कर दिया और कठिन परिश्रम करने लगे। मेहनत रंग लाई और पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने बीए की फाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली सन 1947 में। जय श्री राधे।